आप जिस काम के लिए आए हो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आम आदमी के आसानी से गड़े नहीं उतरता। जहां विज्ञान फैल फिर धर्म क्या कर लेगा। पढ़ना चल रहा है तो सब आना, अभी लोग विश्व स्तर पर एक बहस छिड़ी हुई है विज्ञान और योग का, मतलब विज्ञान और धर्म का मिलन कैसे संभव है, एक दूसरे का सहयोग है कि विरोधी है कि पूरक है, इसको प्रूव नहीं कर पा रहे दोनों। मैंने हमारे दर्शन के मंत्र शास्त्र से रोग ठीक करके प्रूव कर दिया, देखो मंत्र में क्या ताकत है, तुम्हारा वाला यंत्र से ज्यादा तेज ठीक हो रहा। एक बहस चिड़ी हुई समझे, तो एक विकासवाद है। देखिए ये धर्म जो है ना, आदमी के एक विकास की प्रक्रिया है। अब ईश्वर को याद करने के तरीके होते हैं अपने, हर धर्म में अलग अलग, कोई मंदिर जाता है, कोई पूजा करता है, कोई हनुमान चालीसा हो, जो कुछ अपने अपने ढंग से करते हैं समझे। उसी तरह से मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप चाहे किसी जाति के हैं, किसी धर्म के, किसी वर्ण के, कोई फर्क नहीं पड़ता समझे। और जो बताऊंगा वो हमारी फिलोसफी पर बेस्ड बताऊंगा, उसको साइंटिफिकली प्रूव करके बताऊंगा कि हमारा धर्म वहां से शुरू होता है जहां आकर के विज्ञान थक गया, रियलिटी एज के लिए थक गया, हथियार डाल दिया, कौन नाम से ठीक हो रहा है, अदम ठीक हो गए। तो ये एक विकासवाद है। अब इस विकास की बात केवल हमारा ही दर्शन करता है और विश्व का कोई दर्शन करता नहीं, इसलिए उनको बड़ी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि दर्शन पर बेस्ड ये आदमी ला रहा है, तो हम हमारे फिलोसफी पर क्या करेंगे। तो आराधना का तरीका होता है, कलयुग में जो है ना भगवान का नाम जब सारे फल देता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे। तो इस युग में नाम जब जितना जल्दी इफेक्टिव होता है और कोई कर्मकांड नहीं होता, मगर वो दीक्षा का जहां सवाल होता है ना, वो एक गुरु वाला बड़ा अजीब अड़ंग है, ऐसा प्रोफेशन है सिर्फ आशीर्वाद दे देना है, नेटिव प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट एक पैसा का नहीं, तो बहुत बन गए भाई। अब आदमी देखो दुखी होता तो फिर भटकता रहता, तो इनके चक्कर में बेचारे चले जाते। मैं आपकी तरह गृहस्थी आदमी भैया, वो आराधना की स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन को पढ़ करके ये गुरु बना लिए, ये जाते वक्त ये बीमारी चेप गया कि इसका विस्तार करना है। मैं तो 7 साल पहले नौकरी छोड़ करके रिटायरमेंट लेकर के ये कर रहा हूँ भाई, यही का रहने वाला हूँ। अब 80 साल हो गया, थक गया, मैं आराम कर रहा हूँ। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाला सिद्धांत है, ये शैव दर्शन है समझे, समझे कश्मीरी शैविज्म है, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध धर्म कुछ भी नहीं है, कश्मीरी शैविज्म। बहुत लोगों ने नाम ही नहीं सुना है उसका, वो अब मूर्त रूप ले रहा है, दिक्कत क्यों आ रही है। तो मैं जो आपको नाम बताऊं आप उसको दबते रहो। अच्छा उसके साथ 2 मंत्र नहीं चलेंगे, या तो पहले जप रहे हो तो उसको छोड़ दो, नहीं तो फिर उसको जपे रखो, रिजल्ट नहीं मिलेगा दोनों के साथ से। नहीं, नहीं, टेक्निकल पॉइंट कुछ आपको बता दूं ताकि आपको कहीं अड़चन आ जाए,
समझे ना। ट्रेडिशनल गुरु कितने बना लो मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो गुरु रोक लगाते हैं दूसरा गुरु बनाएगा पता नहीं क्या जुलम हो जाएगा, हमें ज्ञान मिलता वाले लोग। तो इस प्रकार वो नाम जपते लोग हर समय उठते बैठते खाते पीते टट्टी जाते पेशाब करते, सीरियसली जो बीमार है उसको तो अभी से शुरू हो जाएगा जपा, और नहीं तो यही जिज्ञासा बस आया तो उसको 15-20 दिन महीने में वो नाम याद करके जपते रहो, वो एजपा शुरू हो जाएगा। एजपा जाप क्या होता है मैं बताऊं, रैदास जी के एक भजन से स्पष्ट होता है। रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे, अब कैसे छूटे बंद नहीं हुए। रैदास को बता दिया ये बेटा नाम जब तो जपता गया फिर वो रैदास जाके ये तो बंद ही नहीं होता, अब कैसे छूटे नाम रट लगे, आपको एजपा शुरू हो जाएगा फिर याद रख के जपने की समस्या से पीछे छूट जाए, फिर केवल ध्यान करने की बात है। समझे ध्यान क्या है, हमारे देश में दो धर्म पैदा हुए बौद्ध और जैन, वो ध्यान पर जोर देते हैं, आगे आके रुक जाते हैं क्योंकि वो मेरे शुरुआती है, यहाँ ईश्वर इन्वॉल्व हो जाता है। धारणा ध्यान और समाधि समाधि स्थिति पर पहुंचते हुए प्रकृति का सारा रहस्य मालूम हो जाता है, ईश्वर नहीं है तो ऐसे कैसे हो गया, तो वहां आके चुप हो जाते हैं। तो मैं आलोचना के हिसाब से नहीं कर रहा हूं, ये व्यवहारिक पक्ष है। तो अब हमारे दर्शन के अनुसार योग दर्शन के अनुसार शैव दर्शन के अनुसार जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, मतलब जो सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है, हैं? तब फिर आपको बाहर से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, आपके अंदर वाले से जुड़ने का एक तरीका बताऊंगा मैं आपको। मैं कहता हूं कि बाहर वाले डॉक्टर को छोड़ो नहीं, उसको जितना अंदर वाले इलाज बताया उतना ही कर रहा है, वो अंदर वाले से और जुड़ जाओ जो आपके अंदर बैठे। ये बाहर वाला डॉक्टर अंदर वाला डॉक्टर दोनों मिलने के बाद में कोई रोग इनक्योरेबल है नहीं इसलिए हो रहा है, तो इस प्रकार नाम जपोगे और ध्यान फिर यहां करोगे। ये शिव की तीसरी आंख देखी आपने, वो आप सबके है, वो अंदर खुलती है, ये दरवाजा एंट्रेंस, बाकी नौ द्वार जो है ना वो तो ईएक्सआईटी है, अंदर से बाहर, ये बाहर से उम्मीद कर रहे हो ना अंदर नहीं जा सकते, अंदर सिर्फ इसी से। तो यहां ध्यान करो, अब मन नहीं रोके तो यहां गुरु को देखो, गुरु क्या है, ये गुरु शरीर है गुरु, ये तो कल मर जाएगा, गुरु तो अनादि अनंत होता है अजर अमर होता है, वो एक गुरुत्वाकर्षण होता है गुरु, गुरु मतलब एक गुरुत्वाकर्षण को गुरु कहते हैं। ये महाराज के पास था, ये अब दे गया और आदेश कर गया कि काम तेरे करना है, कर रहा हूं, मेरे को एक अगरबत्ती की सीख नहीं देनी पड़ी इसलिए इसमें लेना देना नहीं है, धन से ठीक नहीं हो सकोगे, 1 करोड़ दे दो मगर श्रद्धा से गुरु मानकर नाम जप कर लो बस फैसला हो जाएगा। समझे समझे, अब यहां ध्यान करोगे आप, ध्यान केवल सुबह सुबह खाली पेट, खापी के मत करो, खापी करोगे तो योग होगा तो उल्टी हो जाएगी, चाय नाश्ता को हल्का वो दे दो दूध चाय लिक्विड, कितने मुंह कर लो कुछ भी बिछा लो, और कौन से आसन में भगवान बैठा जो उस पर बैठते मिल जाएगा, वो बैठा तो आपके अंदर है ना, समझे समझे, आंख बंद कर लो और यहां गुरु को देखो, नाम जप चालू, वो जो नाम है ना वो चेतन मंत्र है, एनलाइटेड मंत्र है, ये गुरु शिष्य परंपरा में चलता आया एक ट्रेडिशनल वो है, वो एक वैदिक मंत्र है, समझे समझे,
हमारे मंत्र जो है सारे ध्वनियों से उत्पन्न होते हैं, ध्वनि से संसार की उत्पत्ति और सरस्वती के वीणा की जानकार से हुई। मतलब एक ठोस बेस पर ठीक है, एक ऐसा टाइम आ गया कि हम इसको प्रूव नहीं कर पाए, और वो पश्चिम वाले विज्ञान के हिसाब से पता नहीं, ठीक है विकास तो कर लिया, मगर अब एड से ठीक होता है तो बात तो सुन लो क्यों हो रहा है। पहले मेरे कहते थे जी, मैं उन्होंने कहता आप आदमी को साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहे हो, एक पैरासाइकोलॉजी भी कोई होती है वो बड़े परेशान होता है। वो कहते आप अपनी पैरासाइकोलॉजी से लेबोरेटरी में रिजल्ट दे दो भाई तो मान जाएंगे। अब वो रनबैक से रिजल्ट दे दिया, HIV नेगेटिव हो गया, HIV वायरल लोड 50 से नीचे चला गया, वो आदमी अब किसी को अफेक्टेड नहीं कर सकता, एड्स मर गया आदमी, एक है ना, मतलब फिजिकल बॉडी तो एक है ना सारी दुनिया के आदमियों की, हैं? सुनने की कोशिश करो, अगर एक बॉडी में एड्स मर गया तो फिर दूसरे में जिंदा कैसे रहेगा, मुझे एक बात, मगर इस बात को समझ नहीं पा रहे, हैरान इसलिए है कि बिजनेस का क्या होगा, और ये रुकने वाली चीज नहीं है, समझे, ये एक वैदिक मनोविज्ञान है। मैं कोई एड्स कैंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं मिटा रहा हूं, कभी नहीं कहा, मैं तो एक प्रोसेस बता रहा हूं, तो उससे आपकी कुंडलनी जाग जाएगी नाम जब से, तो ध्यान के दौरान वो कुंडलनी आपका शरीर प्राण मन बुद्धि अपने वश में कर लेगी, और फिर योगिक क्रियाएं शुरू करा अपने आप करवा देगी, उसी अंग की योगिक क्रियाएं करवाएगी जो अंग आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, समझे ना, समझा, याद आ गया कहना पड़ रहा। अभी मेरे से इजराइल से आए, ये ध्यान योग करवा का है इजराइल से, ये उनका दूसरा ट्रिप था, तो एक लड़के ने मुझे बताया कि, और जब उनको केवल ध्यान से योग हो गया हुआ, और योग के दौरान एक आदमी के यूं पेट में अपने आप मालिश हुई अपने उसके हाथ से ही, तो इनको पूछा ये क्यों हुआ, कहने लगा आपके पेट में जरूर कोई गड़बड़ है, तो उस वक्त कहा नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, और बाद में मेरे कहने के सॉरी मेरे कहने कुछ बाद में मेरे कहा कि वास्तव में ठीक है, वो मेरे पेट में बहुत गड़बड़ थी, मतलब ये आंतरिक चेतना क्या करवा देती है इजराइल में, अब भी बिग बात, समझे सर, तो कुंडलनी उसी अंग का योग करवाएगी जो आपका काम नहीं कर रहा, समझे समझे, वो सिस्टम पूरा यहां से डायरेक्ट जुड़ जाएगा, मैसेज पास हो जाएगा, कोई रोग नहीं रहेगा, मगर जो ऑब्स्ट्रक्शंस बीच में आते हैं उसको क्लियर करने के लिए फिजिकल साइंस के पास कोई है नहीं ऐसी बात, मतलब इतना सूक्ष्म है ये, तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, अब मानसिक रोग भी ठीक हो जाते हैं, कैंसर ठीक, एक कैंसर डॉक्टर मेरे पास यहाँ आया था बीकानेर, मैंने कहा ठीक तो नहीं होता, कहने लगे थे सही कारण मालूम नहीं, अरविंद आश्रम में एक लड़का कैंसर से मर गया, तो उस वक्त के जो डॉक्टर थे फ्रांसीसी उन्होंने बताया, मदर को बताया वहां के आश्रम में संचालिका को कि ये इस तरह से मरता है, तब उसने कहा कि डॉक्टर ने जो बताया उसे अनुसार मैं ये समझी कि कैंसर कोई रोग नहीं है, शरीर की कुछ कोशिकाएं केंद्र से विद्रोह कर देती है, उनको अनुशासित करके रास्ते पर लाया जा सकता है, ये बात मैंने कई डॉक्टर्स को पूछी, उन्होंने कहा ये करेक्ट है, और यहाँ के एक दो डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर गुरुजी कैंसर विश्व में खत्म होगा कभी तो आप वाली थ्योरी से वो करने का नहीं होगा, तो मैं जो अंदर वाले को चेतन कर देता हूँ तो उससे आप जितनी दोस्ती करोगे तो ही उतना फायदा करेगा, भाई बाहर वाले को छोड़ो मत, दवाई ले रहे हो लेते जाओ, वही बंद कर देगा डॉक्टर अपना, समझे ना, वही कर देगा, नाम जप और ध्यान इस पे जोर दो, अरविंद ने कहा
भविष्यवाणी किया कि इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम, अंग्रेजों कितनी विला दी थी वंदे मातरम। दूसरे के लिए कहा है कि वो मंत्र संजीवनी मंत्र होगा, वो मोस्ट सीक्रेट होगा, माइस्टिक होगा, वो संजीवनी मंत्र होगा। तो अब वो कृष्ण वाला मंत्र मैं दे रहा हूं जिसके बारे में अरविंद ने भविष्यवाणी की है, संजीवनी मंत्र। तो अब महर्षि अरविंद के अनुसार ये संजीवनी मंत्र है, और अगर संजीवनी मंत्र है और आदमी में प्राण है तो नहीं मरेगा। लक्ष्मण मूर्छित हुआ, मरा थोड़ा ही था, संजीवनी गूंटी लाया तो समझ रहा है जिंदा है, नाम जप कर दो ठीक हो जाओ। जोधपुर के दो उदाहरण दूं मैं आपको, एड्स के पेशेंट। एक आदमी तो भर्ती था अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल, इंडोर पेशेंट, और ड्रिप चल रही थी, बंद हो गई तो डिस्चार्ज कर दिया, कह दिया कि दो चार घंटे का ले जाओ। मैंने उससे पूछा ठीक हो गया, बाद में मेरे पास आया था तो कह लगो जी मैं सुन रहा था और समझ रहा था, बाकी हाथ हिलाना आँख खोलना बोलने का तो सवाल नहीं था, एनर्जी नहीं थी। घर ले गए तो घर वाले रोने कूकने लगे, मैं सुन रहा था, सोच भी रहा था क्योंकि मैं मरूंगा जल्दी इसलिए रो रहे। वो नहीं मरा रात भर, दूसरे दिन इस तरह से प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम में आ गया, और वो 46 kg का पेशेंट आज 90 kg का बैठा है, जीता जागता जोधपुर में। कई है मगर एक और जो बताऊं मैं, एक बहुत टेक्निकल बात वो हो गई कि मेरी तस्वीर से ध्यान लग जाता है, योग हो जाता है। बिकॉज क्योंकि ये इस जिस जगह से बोल रहा हूं ये इस देश का दर्शन है, वैसे नहीं समझेगा इस बात को, समझे नहीं समझे। मैं आपको बताऊं मेरे को आराधना करनी पड़ी, जैसे आप बीमार हो तो आना पड़ा, परिस्थितियों बस आराधना करनी पड़ी। रिजल्ट मिला उसकी मुझे जानकारी नहीं थी क्या मिलेगा। तो इस प्रकार पहली पहली तो सिद्धि वो गायत्री मंत्र वाली हो गई, निर्गुण निराकार की। ये फिजिकल बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, वो एनर्जी में बदल गई जिससे ये फिजिक्स बनी है। फिर जब जिज्ञासावश ये कृष्ण वाला और गुरुदेव का आदेश जपा, इसकी सिद्धि होगी। अब ये परिवर्तन आज तक एक जन्म में दोनों सिद्धियां नहीं हुई आज तक, कहने का मतलब है सगुण और निर्गुण की एक ही जीवन में मनुष्य को सिद्धि नहीं हुई, एक एक की सिद्धि होती के बॉक्स पाते गए। ये पता नहीं दैव योग है कि ये परिवर्तन मुझ में आ गया, ये एक्चुअल है साइंटिफिक, इसको कैसे बोलता है अपने ढंग से कहो। इसलिए अब ये बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म होगी, अब इसकी तस्वीर का ध्यान करने से योग होने लग जाता है। तो एक विकास है हमारे दर्शन का, ये कोई मिराकल नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, समझो। पश्चिम वाला इसको मिराकल कह रहे और हमारा अखबार में एक छापा तो जयपुर हिंदुस्तान टाइम्स में, वंडर थेरेपी, वंडर थेरेपी। मैंने कहा वो नया ये थेरेपी है और नया कोई है मिराकल है, ये तो मनुष्य जाति में होने वाला विकास था, हो गया, समझे। हमारे ऋग्वेद के अनुसार मनुष्य शरीर की रचना 7 प्रकार के कोषों से है, उसके अंदर आत्मा है। और फिर वैदिक ऋषि जब अलग अलग कोष की बात करते हैं तो पहले मैटर से शुरू करते हैं, अन्न अन्न से बनते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष। तो आज तक संसार में विज्ञानमय कोष तक खूब चेतन हो गए, मगर विज्ञान एक जगह आके अटक गया, फंस गया।
अब क्योंकि उससे आगे वाला स्टेप जो है उस विकास की बात केवल हमारा दर्शन कहता है, सतचित आनंद को चेतन करने की बात तो केवल यही देश और यही धर्म करता है। आज की स्थिति है वैसी नहीं थी पहले इस देश की, मगर अब ठीक है पतन का टाइम था, अब इस उत्थान के सामने आओ ना, फिर कोई बोलता क्यों नहीं। तो ये विकासवाद है, मिराकल नहीं है, नहीं है वंडर थेरेपी है, ये मनुष्य का अपना खुद का विकास है भाई। मैं कुछ नहीं दूंगा, देना देना कुछ नहीं मेरे पास, जो मेरे पास है वही आपके पास। मैं तो उसको इस्तेमाल करना चाहो तो नाम बता दूंगा, जपते रहो ध्यान करते रहो, समर्पित जरूर रहना पड़ेगा गुरु के प्रति। अच्छा, दूसरा मानसिक तनाव से संबंधित रोग, आज चाहे धनी है अमीर है गरीब है, मानसिक टेंशन सबको है। और मैं मेरे बॉम्बे में बहुत धनी लोग भी ऐसे से, तो उनको ज्यादा है गरीब से टेंशन। तो ये मतलब हर एक जाति हर एक धर्म वाले हर क्लास को है, और ज्यादा टेंशन हो तो डॉक्टर दवाई दे दे न सके, नशा उतरा कि वैसे वैसे टेंशन वो रोग वैसा। हम भी नशे को तो प्रॉपर इलाज मानते हैं, मगर वो नशा मैटर कर रही होना चाहिए, वो स्पिरिट का होना चाहिए, वो ड्रग का नहीं होना चाहिए, राम के नाम का नशा होना चाहिए। राम का नाम नशा है, आपको नहीं किसी ने बताया नहीं चढ़ाया, मैं नहीं कह सकता क्यों, समझे ना, समझा। हमारे संतों ने उसको नाम का नशा कहा, नानक देव जी का भागवत तुरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। भगवान कृष्ण ने गीता में उसको आनंद का दिव्य आनंद, अक्षय आनंद, अनंत आनंद, अद्वितीय आनंद, मगर जब तक नहीं आता आदमी भौतिक सुख में आनंद मान बैठता, ओ कार बेटे पोते बगले और उसमें थोड़ी सी कलल पड़ गई आनंद गया। अब आप लोग ध्यान सुन लो, ये बच्चे खेल रहे मेरी बात में आनंद नहीं आ रहा, ये 20-25 साल का होंगे फिर और किसी में आनंद आएगा, और बुढ़ापे में किसी में। तो वो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला दुख सुख आनंद नहीं है, वो आनंद इंद्रिय अतीत है। तो इस प्रकार जो मैं आपको नाम बताऊंगा निरंतर जपोगे तो आपको एक आनंद आने लग जाएगा, वास्तव में लगने लग जाएगा, और वो आनंद उसमें ब्रेक्स नहीं आएंगे, खत्म नहीं होगा। कभी न तो कहा नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार जो आराधना करोगे उससे एक आपका विकास होगा। भैया जो बीमार है ना वो तो मान के चलो, मैंने आपको कह दिया ना ये नाम जपोगे ना तो एड्स कैंसर से नहीं मरोगे। आज तक तो किसी ने वो भैरव जी को चला गया, रामदेव जी को चला गया, बीच में आस्था बदल ली, दूसरे की ताबीज करवा लिया, इसमें चले जाओगे तो मामला गड़बड़। समझे ना, जो दवाई ले लो ले दो, उस वैद्य से ले लो इस वैद्य से, कोई नहीं इलाज ही नहीं है इसका, कोई इलाज ही नहीं है। ये मतलब एक हमारे दर्शन में 3 तरह की बीमारियां शांत करने की बात कही गई है, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। तो ये बीमारी आदि देविक है, स्पिरिट से है, एक स्पिरिचुअल डिजीज है। वो लोग पश्चिम वाले ये वैज्ञानिक मैटर से खेल रहे हैं, मैटर से। मैंने उनको कहा ये शरीर मैटर है, कहा मैं क्या इसमें से स्पिरिट निकल जाए तो कितनी देर रखोगे घर में, मैं क्या उसको मानना पड़ेगा, आज नहीं कल मान लो झक मरा कर मानना पड़ेगा, स्पिरिट के बिना विश्व शांति संभव नहीं, घर परिवर्तन आ रहा। तो इस प्रकार मतलब किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं, आदमी जब समाधिस्थ होता है ना तो उसके लिए मतलब एक सारे रोग खत्म होना जरूरी है। मेरे पैर में दर्द है तो यहाँ ध्यान जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा वो यहाँ नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए इस नाम के ऊपर ध्यान से सारे शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, और नशों से भी छुट्टी हो जाती है। और नशे छूटने में तो आश्चर्य विज्ञान तो कर रहा है कि अफीम छूट गया, ठीक है छूट गया, अब तो कह नहीं सकते नहीं छूटा, हजारों को छूट गया। अब वो ये कहते हैं गुरु जी
20 साल से खा रहा था तो आफ्टर इफेक्ट्स क्या गए, आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुआ, वो क्या हुआ? मैंने भाई मैं आपकी उस बात को नहीं मानता आफ्टर इफेक्ट्स। मैंने उन्होंने कहा जी मान लो उदाहरण के लिए मैं अफीम खाता हूँ, सुबह खाया और फिर काम में लग गया, शाम को नशा उतर गया तो फिर मांग हुई, नशे के अंदर डिमांड हुई तो खाना पड़ा, तो आप उसको उस डिमांड को आपकी साइंस खत्म नहीं कर सकती, वृत्ति नहीं बदल सकती, तब तो मैं परिवर्तन ला सकती नहीं है। वृत्ति क्या होती है आपकी साइंस की पकड़ में नहीं आता। मैंने कहा इस नाम जप और ध्यान से वृत्ति बदल जाती है, आदमी सतोगुणी हो जाता है, फिर वो उस चीज से घृणा हो जाती है, अंदर से घृणा हो जाती है, बदबू आने लग जाती है जिसकी सुगंध आती थी, तो इस प्रकार वो नशा छोड़ जाता है साधक। साधक नहीं छोड़ता, कहीं तो मैं कितने लोग कहते हैं जी मत पियो, संत महात्मा कहते ना, कुछ सुनता है क्या? फिर मेरे वाले कौन सुने? मैं कहता हूं मत छोड़ो, है हिम्मत आ जाओ मैदान में, मत छोड़ो मगर नाम को भी मत छोड़ो। सब्जेक्ट नाम नहीं जपोगे तो नशा नहीं छोड़ेगा, नाम जपोगे तो नशा पड़ोसी के नहीं रहे। इस प्रकार इस आराधना से कोई डरने की जरूरत नहीं है हर्ट कैंसर के पेशेंट को, नाम जपोगे नहीं मरोगे। यहां तक ओपनली आके ये बात कहने देता का कोई, अगर ये गलत होती है, ये सबसे बड़ा क्राइम है, समझे? तो ये एक आराधना का तरीका बताया मैंने आप। अब ये तो इस जीवन में तो आ गया ना सुधार, अब अगले की भी सोच लो। कोई भी धर्म पीछे पीछे कर रहा है, कांजार वो नहीं बताता, हमारा योग बताता कांजार, समझे? समझे आप ध्यान के दौरान अनलिमिटेड काल के भूत भविष्य को देखोगे सुनोगे, ध्यान के दौरान इस आंख से देखोगे, समझे? समझे, और जो देखोगे वो सत्य होगी। विज्ञान बहुत परेशान है, तो मैं तो कहा हमारे योग दर्शन की बात है, पातंजलि योग दर्शन में। अब पातंजलि योग दर्शन का बड़ा हल्ला है, उसमें एक उस पातंजलि योग दर्शन के अनुसार जब आदमी प्रातिभ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, एक ज्ञान का नाम है प्रातिभ ज्ञान, तो उससे उसको छह प्रकार की सिद्धि होती है। उसमें पहली सिद्धि है कि वो आदमी साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख सुन सकता है, छिपाई हुई ढकी हुई चीज को देख सकता है, ये प्रातिभ ज्ञान की बात है। और मेरे हजारों शिष्य देख रहे, एक नहीं हजारों देख रहे, ध्यान के दौरान देख रहे। तो इस प्रकार अगर आप आपको कई आप अपने परिचितों की बहुत देखी, क्योंकि आया उसको जाना है, और 10-20-30 वैसे मरते गए जैसे दिखी, तो अगर ख्याल आ गया तुम कौन सा मर रहेगा दिख जाएगा, जीते जी मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा आपका। ये दिव्य विज्ञान है हमारे दर्शन का, इसी को चैलेंज करके मैं विश्व में निकला हूं। तो फिर डर जाओगे, मौत देखी डर गए, और फिर भगवान को याद करोगे, खोटे करे तो कर लिए भगवान, फिर नहीं करूंगा माफ कर दे, बस आंख बंद करके याद देखा, पलक पलटते सामने आ गए, यहीं तो बैठा है, कहीं बाहर है ही नहीं, ब्रह्म में भटक रहे हो, यहां बैठा है, यहां बैठा है, पलटते सामने आ जाएगा। मैं गया आने जाने की छुट्टी, जन्म मरण के साइकिल से छुट्टी, मतलब ये क्रियात्मक योग है, समझे? समझे, उदाहरण दिया कबीर ने, बताऊं आपको मैं, एक मट्टी का घड़ा है, कबीर कहता है एक मट्टी का घड़ा है, उसमें पानी है भरा हुआ है, और पानी में रख दो, तो कहता है जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, फिर कहता विघटा कुंभ जल जल ही समाना, ये गति विरलेन जाने, क्या घड़ा गड़ गया तो फूट गया तो विघटन हो गया उसका, तो फिर बाहर वाले पानी अंदर वाले पानी में कोई भेद नहीं ना, बताओ साथ में तो सारे एक दूसरे को बता दो, कोई बात ही नहीं है,
मगर जो दीक्षित नहीं है उसको मतलब इरादतन फायदा हो जाएगा, चलो इस ढंग से कोई इस नहीं करना, नहीं तो आपको भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, सामने वाले को नहीं मिलेगा। वो जो नाम बताओ वो बताना नहीं, बाकी जो कुछ हो रहा है दुनिया को बताओ, समझे। तो एक उसमें गुरु की मर्यादा लगाई हुआ, ये तो इतना भारी रहस्य है कि मैं नहीं समझ पा रहा इसको क्या है कारण, मैं नहीं जानता। हाँ, अरविंद ने भी स्वीकार किया कि ये सीक्रेट होना चाहिए, और फिर उसको भी माना है कि गुरु चेतन गुरु द्वारा दिया हुआ होना चाहिए, किताब से लिया हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये आप जो आपको नाम बताऊं उससे आपको परिवर्तन होगा। अब वो नाम पेपर में यह लिखा हुआ है, एक बीज मंत्र है, वास्तव है पृथ्वी तत्व मतलब और आकाश तत्व कृष्ण तत्व है। तो इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं, ये गीता वाला निष्काम कर्मी हो गए, समझे ना। दूसरी आराधना है तो भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, तो ये गीता वाला निष्काम कर्मी हो गए, तो इसमें दोनों तत्व शामिल है। प्रदेश से आए हुए अपने वहां की स्थानीय भाषा में प्रचार करो भाई, एक आदमी का जीवन बच्चे कितना बड़ा पुण्य है,